वेलकम टू चैनल दी आई एम गाय माय डियर फ्रेंड्स। जनरली लोग एमबीए करना चाहते हैं, उनके दो तीन सवाल होते हैं, करने वालों को भी तीन चार सवाल होते हैं कि एमबीए करूं या ना करूं, करूं तो कितना का जॉब मिलेगा, आगे मुझे क्या करना है, जॉब करना है या कुछ अपना करना है। ये सारे सवाल मैं एक एमबीए कॉलेज के स्टूडेंट से, ये सब सेकेंड ईयर के स्टूडेंट से इंटर्नशिप कर चुके हैं, मैं इनसे पूछने वाला हूँ, क्योंकि मैं आया था एक एमबीए कॉलेज अपने काम करने। तो मैंने सोचा कि अब बनाया जाए एक वीडियो, सबका सच्चा इनसाइट से आ जाए एमबीए के बारे में। तो पहला सवाल, वाई एमबीए? इंटरव्यू में क्या बोलोगे वो तो आपके ऊपर है, पर मैं सच पूछ रहा हूँ कि लोग एमबीए कर क्यों रहे हैं, पहले क्या कह रहे हैं। तो ये बताओ दोस्तों कि व्हाई आर यू डूइंग गाइस डूइंग एमबीए, व्हाई एमबीए, और पहले क्या किया था आपने, आप बताओ पहले। सो आई थिंक मेरे लिए एमबीए करना वाज अ प्लान। आई डिड माय बैचलर्स इन फाइनेंस एंड यू नो आई रियली वांटेड टू अपस्किल माय सेल्फ। आई थिंक आई डिडंट गेट मच ऑफ एन एक्सपोजर इन माय बैचलर्स एंड आई वांटेड मोर ऑफ दैट। प्लस एट दैट टाइम I mean, when I used to make my resume, I think it was more of a blank resume, blank paper. And I really needed something useful, which I could write there, which I'd really learned and then explored and had an exposure of. So this is why I chose to do MBA. Plus, I think eventually I want to start my own brand. So for that, I wanted to master the thing, how to run a business, because that is very important. I have my own idea, but how to master and running it effectively, I think it's that is difficult. So for that, I chose. Where did you do your bachelor's? I did my bachelor's from APJ College of Finance, Jalandhar. Yes. Cool. Great. Anyone else? You tell me why you doing an MBA? What did you do before? मैंने अपना graduation food processing के किया था, BHU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस। मैंने जब इंटर्नशिप कर रहा था तो देख रहा था उतनी अच्छी पैकेजेस नहीं थी वहाँ पे जो काम कर रहे थे, तो मैंने सोचा MBA करेंगे तो बूस्ट मिलेगा अपना, इसलिए मैंने सोचा MBA करते हैं फूड प्रोसेसिंग के बाद। तो थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन इसमें ना एक्सपोजर और थोड़ा ग्रो करने के चांस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैंने फिर MBA सोचा। तो इसलिए मैंने MBA। दो जवाब मिल गए, एक को अपना ब्रांड खोलना है, एक ने सोचा सैलरी बढ़ाते एक बार अभी के लिए और MBA करते हैं। आपका? Yeah, so I have also done my graduation in BBA and BBA. I wanted to pursue MBA because it will give me an immense opportunities and exposure to upskill myself, as in future I want to open my own venture of restaurants business. So it will give me the skills which is required, and the current scenario of the market would be a great opportunity for me. तो नीचे वाले तो BBA वाले हैं, तीनों ही BCom BBA एक ही तरह से, तो bachelor's in business वाले हैं, तो इस इट्स अ लॉजिकल प्रोग्रेशन टू एन एम बी ए। तो मैं एक टिप अपने हिसाब से दे देता हूँ, ऑफकोर्स तो एम बी ए करने आ गए, बट इफ यू आर डूइंग एन एम बी ए एंड यू हैव टू गो टू एन इंटरव्यू एंड यू आर बी कॉम और बी बी ए स्टूडेंट और एनी बैचलर्स ऑफ बिजनेस स्टूडेंट बी एम एस, देन यू कैन से दैट एन एम बी ए इज द नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप। तो आपको पैकेज बनाना हो या आपको बिजनेस करना हो, एम बी ए करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ नहीं आता सीधे। ये यहाँ का आया, आपका भी कैसा है आप बताओ थोड़ा। सो हाई इनिशियली एट माई कैरियर लाइक What I did was, मैंने अपनी graduation, I did my graduation, I did BBA from Mittal School of Business, and then I got a job outside from an outside company. It was a recruiting firm, but I was getting paid like fairly. I thought like अगर मेरे को grow करना है, to get that very boost, कि अगर मेरे को अब, I was getting around 35K per month, but I was not satisfied and I was like कि अगर मेरे को अगर अच्छा package चाहिए, तो मेरे को MBA करनी पड़ेगी. That is what you said right now. So this is why I have planned that I'll be doing my MBA. I would get that boost. I would work in the corporate for like around 5 to 10 years down the line, and then I would like probably have a business on my own. And also I would like to have a channel like you. That is the I am guy. So, yes, exactly. ठीक है, यहाँ एक अलग आंसर आया कि इनको पहले जॉब करना है, पर आगे जाके अपना कुछ मार्केटिंग ब्रांड खोलना है, यूट्यूब चैनल। So similarly, like simultaneously, I would like. Like to have a YouTube channel where I would like to tell about the professional life, the corporate life to the people as well as do my professional thank you I'm honored. Aap log batao. So I did my graduation in BSc chemistry honors. Okay, so science wale aaye hain. Haan ji, so that was a COVID pandemic era. So I also applied for MSc too, but I researched and found that MBA is a professional degree which will help me to enhance my skills and have a better career prospective. I do have the managerial skills like interpersonal skills, communication, I can communicate well with others, I have an extrovert personality too. So maine socha chalo क्यों ना थोड़ा सा मैनेजमेंट फील्ड में भी जाया जाए, क्योंकि मेरे पास है जब अपॉर्चुनिटी, तो आई शुड ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली। तो यस, तो आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट द कॉलेजेस, देन आई फाउंड द कॉलेजेस, देन आई टुक द एडमिशन इन एमबीए। तो ये यही एमबीए सबके लिए खुला होता है, किसी को करना है तो ये नहीं कि भाई
बीबीए वाले कर रहे हैं, मैं नहीं करूँगा, इनफैक्ट ज़्यादा करते हैं इंजीनियर्स, तो यही वो भी कह रही है। आप बताओ। मुझे लगता है एमबीए आपका कोई भी एजुकेशन हो सबके लिए है। मैं छोटे शहर से आती हूँ, वहाँ पे सबको पता नहीं है कि अगर क्लास 10-12 में तुमने कॉमर्स लिया है तो तुम्हारे पास नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज क्या हैं। तो मैंने बीकॉम लिया, बट जब मैंने बीकॉम लिया मैं खुद को जैसे विजुअलाइज करती थी, मैं देखती थी कि मैं बोल रही हूँ, मैं लोगों से बात कर रही हूँ, कुछ लोग हैं जो मुझसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं और कुछ लोग हैं जिनको मैं इंस्पायर कर रही हूँ। तो मुझे ये सारी खूबियाँ लगी कि एमबीए करके मिल सकती हैं, और जो मुझे लगता है मेरा सही फैसला था। तो मुझे लगता है मेरा जो कॉन्फिडेंस बढ़ा है इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ एमबीए, एंड इन सब बातों को सोच के मैंने एमबीए लिया। बहुत बढ़िया, ये एक्चुअली बहुत ही मतलब मैं जो तारीफ करनी होगी आंसर की, ना प्लेसमेंट ना बिजनेस, ये बोल रहे कि मुझे लर्निंग के लिए एमबीए करना, तो भाई एमबीए तो इसीलिए बना है, करना जो भी आपको, तो वेल आंसर। आप बताएं। मैंने ग्रेजुएशन में बीएससी फूड टेक किया था, तो बेसिकली मैं साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो अब मैंने फिर एमबीए इसलिए चूज किया क्योंकि मुझे लगा कि मुझे थोड़ा अर्निंग जल्दी करनी है, एंड मैंने ग्रेजुएशन कोविड एरा में किया था तो मुझे इतना एक्सपोजर भी नहीं मिला इंडस्ट्री का, एंड मेरे अंदर कुछ ऐसी स्किल्स थी जो मुझे लग रहा था कि एक एमबीए स्टूडेंट के अंदर होती है, और वो स्किल्स मेरे को ब्रशअप करनी थी, तो इसलिए ब्रशअप के लिए मैंने एमबीए चूज किया, और आगे मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ तो उस बिजनेस के लिए एक स्किल्स को ब्रशअप करना जरूरी है, तो इसलिए मेरा कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी है, और जैसे एचआर के आप मान लीजिए एचआर के लिए कोलैबोरेटिव स्किल्स बहुत जरूरी है, और टीम वर्कर भी होना जरूरी है, अगर आप किसी टीम के साथ काम करेंगे तो आपको टीम वर्किंग आना चाहिए। बहुत बढ़िया, तो वाई एमबीए का आंसर मिल गया। हम एक और वीडियो बनाएंगे इसी का पार्ट टू, कि भैया सैलरी कितना एक्सपेक्ट करते हैं लोग और कितनी सैलरी से खुश रहेंगे, धंधा कर रहे हैं तो कब धंधा करना चाहेंगे। पार्ट टू देखते रहो माय डियर फ्रेंड्स।